वही आज इस वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ एप्पल का वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोडक्ट एप्पल एयर टैग। तो गाइस एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करने पर कुछ इस तरह के बॉक्स में मिला एप्पल एयर टैग। बॉक्स के ऊपर सीरियल नंबर वगैरह, कनेक्शन वगैरह की डिटेल, इंपोर्टेड मार्केट बाय डिटेल, साथ में MRP दिया हुआ था 3,190 रुपये, और इतने का ही ये मिला। फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स के अंदर से कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है और इसी के अंदर मिल जाता है एप्पल एयर टैग। वैसे बताना चाहूँगा, ये जो एप्पल एयर टैग है मैंने बाई नहीं किया है, ये है वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड पंकज का, और उन्हीं का नाम यहाँ पर एनग्रेव किया हुआ है। वैसे पंकज भाई ये रहे और ये हैं एप्पल फैन बॉय। वैसे एप्पल एयरटैग काफ़ी हल्का सा, छोटा सा, टाइनी सा ट्रैकिंग डिवाइस है, और इसका प्लास्टिक है, इसको निकालते ही बैटरी कनेक्ट हो जाती है, एक आवाज़ सुनाई दे जाती है। पीछे की तरफ स्टेनलेस स्टील का बैक है, एप्पल का लोगो है, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और मेड इन चाइना भी यहाँ पर दिया हुआ है। काफ़ी प्रीमियम सा लुक लग रहा है। सामने की तरफ वैसे प्लेन मिलता है, और एप्पल के ऑफिशियल साइट से आप फ्री में ये वाला एनग्रेविंग करा सकते हैं अगर आपको चाहिए। वैसे कनेक्शन प्रोसेस काफ़ी बेसिक और सिंपल सा है, जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ हमेशा ही रहता है। सिंपली आपको आपका आईफोन या फिर आईपैड के पास में लेकर आना है एयरटैग को, फिर आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको नाम रखना है अपने एयरटैग का, जिस भी मतलब आपको आइटम के साथ यूज़ करना है वही सिलेक्ट कर सकते हैं। पंकज भाई अपने बाइक के साथ रखने वाले हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर बस आपके एप्पल आईडी के साथ रजिस्टर हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पेयर हो जाता है काफ़ी क्विकली। अब नेक्स्ट यहाँ जो कुछ फीचर्स हैं एयरटैग के वो दिख जाते हैं, जैसे कि प्रिसीजन फाइंडिंग मिलती है, एरो के पॉइंट को फॉलो करके कहीं भी पास में है तो ढूंढ सकते हैं, साउंड प्ले कर सकते हैं, और डायरेक्शंस के जरिए मैप पर भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलता है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी आपके सामने, अगर आपको इसको बाइक की कीचेन या फिर किसी और कीचेन की तरह इस्तेमाल करना है तो एप्पल एयरटैग कीचेन कवर खरीदना होगा सेपरेटली, जो कि ओरिजिनल एप्पल का खरीदने जाएंगे तो एयरटैग से भी महंगा है, जो कि मुझे एक बुद्धिमानी का सौदा नहीं लगा। तो मैंने पंकज भाई को सजेस्ट किया कपावर का एप्पल कीचेन कवर, जो कि 600 रुपये का मिल गया था फ्लिपकार्ट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ब्लैक कलर में यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिटी वगैरह, फिनिशिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। कपावर के केसेस वगैरह मैंने पहले इस्तेमाल किए हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है, जिस वजह से मैंने उनको ये सजेस्ट किया। और सिंपली इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं एयर टैग, और ओवरऑल दिख काफ़ी सही रहा है। तो इसकी मदद से आप किसी भी बैग वगैरह या फिर किसी भी की के साथ में इसको अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्ले साउंड करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह की आवाज़ सुनने को मिलती है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है, बस ठीक सी मैं बोलूँगा। ढूंढ पाएंगे घर में कहीं रखकर भूल गए हैं तो। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस वाला फीचर यूज़ करते हैं, तो कनेक्टेड और ग्रीन शो कर गया है, नियर बाई मतलब उसके पास में ही है, 0.6, 0.5 मीटर, 0.4, 0.3, और बस पहुंच ही गए, बैग पर रखा हुआ है तो यह शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ। अभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पंकज भैया से, इसको कहीं भी छुपा के रख दें और फिर मैं इन्हीं के आईफोन से ज़रा इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जाए दूर नहीं छुपाएंगे, आसपास ही कहीं छुपाएंगे, इधर दिखा दो। अब इस टाइम मुझे पता नहीं था पंकज भैया ने इसको कहाँ छुपाया है, बस ये पता था इस डायरेक्शन में है, हिम्मत के साथ छुपा कर आ गए हैं और हंसते हुए आ रहे हैं। तो अभी के लिए क्या है कि अगर रेंज में होगा तो आप डायरेक्टली प्ले साउंड कर सकते हैं, वैसे मुझे लगता है रेंज के अंदर ही होगा, लेकिन हम पहले मैप से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फाइंड पर टच करते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है कनेक्टेड सिग्नल इज वीक, ट्राई मूविंग टू अ डिफरेंट लोकेशन, और अब यहाँ शो कर रहा है सर्चिंग फॉर सिग्नल, अब ट्राई टू मूविंग डिफरेंट लोकेशन। तो अब मुझे मान लीजिए नहीं पता है किस लोकेशन पर छुपा हुआ है, अब किस लोकेशन पर मुझे मूव करना है, तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया और यहाँ पर बस यही होता रहा, कनेक्टेड सिग्नल इज वीक, ट्राई टू मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो अभी के लिए काफ़ी दूर आ चुके हैं, करीब करीब 200 मीटर के अप्रोक्स होगा, और अभी भी कनेक्टेड ही यहाँ पर शो कर रहा है ट्राई टू मूविंग डिफरेंट लोकेशन। तो फिर भैया हम अब हमें पता ही है किधर जाना है, तो उधर ही जाना शुरू कर दिया, लेकिन ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। मान लीजिए की मुझसे कहीं गुम हो जाती है, मुझे पता ही नहीं रास्ते में कहाँ गिर गई, कैसे ढूंढूंगा। अभी के लिए तो मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं उसी डायरेक्शन में चल दिया। फिर यहाँ पर दिखना शुरू हो गया डिस्टेंस मीटर्स में, 30 मीटर के अंदर जैसे ही आया 28 मीटर अभी के लिए शो कर रहा था, फिर कनेक्टेड आया, अभी के लिए 24 मीटर हो गया है, और मैं एक एक स्टेप चल रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो ही रहा है जैसे कि देख सकते हैं। और अभी के लिए एरो आ गया है अप्रोक्स 20 मीटर अहीड, अभी के लिए और जाना है तब मुझे मिलेगा एयर टैग, और अभी के लिए ग्रीन हो गया है 10 मीटर्स के अप्रोक्स जैसे ही मैं पहुंचा हूं। वैसे एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहता है, जैसे ही पास जाते रहते हैं तो यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है, एक सर्कल जैसा रहता है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर अगर आप पास में पहुँच जाते हैं तो साउंड भी प्ले कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं, चाबी से ज़्यादा एयरटैग मिलने की खुशी होगी।
तो इतने सब के बाद इतना तो समझ में आ ही जाता है कि बाई चांस आप घर में अपनी चाबी को कहीं रखकर भूल गए हैं जिसमें कि एयरटैग अटैच किया हुआ है, तो अपने आईफोन या फिर आईपैड के ज़रिए ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, जैसे कि आप नॉर्मली चाबी ढूंढते हैं उस तरीके से इधर उधर ढूंढते हैं। बस अगर बीच में ऑब्स्टिकल है जैसे कि दीवार के पीछे रखा हुआ है तो थोड़ा सा इधर उधर करके आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा तो ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ साउंड प्ले कर सकते हैं और एरो वाला प्रिसीजन नेविगेशन भी मिल जाता है। लेकिन बताना चाहूँगा जो एरो वाला नेविगेशन है ये केवल आईफोन 11 और 12 सीरीज पर ही काम करता है बिकॉज इनके अंदर मिलती है U1 चिप्स। बाकी जो पुराने वाले आईफोन हैं उनमें आपको जो डायरेक्शन वाला नेविगेशन है वो नहीं मिलता है। डोर के लिए एक चीज समझ में आ जाती है कि अगर आप 30 मीटर से ज्यादा दूर इसको कहीं भी गिरा कर आ गए, आपको आइडिया नहीं है कहाँ गिरा था, तो फिर वहाँ ढूंढना एकदम नामुमकिन सा है इसको। बिकॉज ऑफ एयरटैग के अंदर GPS नहीं है, जब नियर बाय होता है तो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है। बाकी यहाँ पर इस्तेमाल करता है एप्पल के पीयर टू पीयर नेटवर्क को, जितने भी U1 चिप्स वाले एप्पल के डिवाइसेस हैं उनके जरिए सिग्नल पास करता है और फिर आपको उसकी लोकेशन पहुँचाता है, जो कि इंडिया में अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मुझे पता है इंडिया में अभी के लिए तो ऐसा कोई एरिया भी नहीं है जहाँ पर कि सारे लोग आईफोन ही यूज़ कर रहे हों जिसकी मदद से हमें एयरटैग वापस मिल जाएगा। अगर आप इसे किसी एरिया में रहते हैं, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जाके जरूर बताएगा, सोचेंगे वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे वैसे। लेकिन एक तरीका है, एप्पल एयरटैग के अंदर है NFC और अगर आपने लॉस्ट मोड एक्टिवेट किया हुआ है वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मैसेज भी वहाँ पर कस्टमाइज करके टाइप करके दे सकते हैं। और जिसको भी मिलता है वो अगर एक एंड्रॉयड या फिर आईफोन यूज़र है जिसके अंदर NFC है, तो वो अपने स्मार्टफोन के पीछे एयरटैग को जैसे ही टच करेगा तो वहाँ पर एक लिंक ओपन होगा, उसको टच करते ही वहाँ पर इंफॉर्मेशन उसको दिख जाएगी और वो बंदा फिर आपको फ़ोन करके, हो सकता है 0.01% चांसेस हैं कि वो दे दे, मुझे नहीं लगता, इंडिया में तो नहीं लगता, वो यूज़ नहीं करेगा लेकिन रख लेगा उसको। फ़ोन तो देता नहीं है एयरटैग, तो समझ में ही नहीं आएगा पहले तो कैसे काम करता है क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा अभी तक भी मुझे जैसा लगता है। अब इस सब का मतलब ये नहीं है कि एप्पल एयरटैग एकदम से बेकार है, अगर US में है तो काफ़ी अच्छे से काम करेगा, सारे के सारे आईफोन यूज़र्स ही होते हैं तो वहाँ पर जो पीयर टू पीयर नेटवर्क वाला सिस्टम होता है वो अच्छे से काम करता है। आप मैप पर बड़े आराम से ट्रैक कर सकते हैं एप्पल एयरटैग को, जो इंटरफेस है वो भी बढ़िया है और जो टर्न बाई टर्न नेविगेशन है वो भी अच्छे से मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो भी अप्रोक्स 1 ईयर की मिल जाएगी, एक बटन सेल वाली बैटरी मिलती है जो कि आमतौर पर बड़े आराम से आपको मार्केट में 30-40-50 रुपए की अप्रोक्स मिल जाएगी, बड़े आराम से खुद ही आप उसको बदल सकते हैं, कोई भी बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। बाकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन इंप्रेसिव है, बस पीछे स्टेनलेस स्टील है, उस पर थोड़े बहुत स्क्रेचेस आ जाते हैं, ऊपर की तरफ प्लास्टिक है तो वहां पर भी स्क्रेचेस वगैरह थोड़े बहुत आ जाते हैं। बाकी अभी के लिए मुझे इंडिया के हिसाब से एक ठीक ठाक सा प्रोडक्ट लगता है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लगा, और 3,190 रुपये के प्राइस में बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी नहीं है, मुझे तो ओवर प्राइस लगता है, नहीं तो मैं भी एक खरीद लेता। अब ये मत समझ लेना कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट ही बेकार होते हैं, मैं खुद आईफोन यूज़ करता हूँ और मेरा मैकबुक भी पीछे रखा हुआ है, एप्पल काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, सो मैंने आपको बता दिया। आप बताएगा आपको कैसा लगा एप्पल एयरटैग, नीचे कमेंट में जाकर आप बाय करेंगे या फिर नहीं। मुझे लगता है 2,000 रुपये के आसपास होता तो बहुत सारे लोग इसको खरीद लेते, घर में कहीं चाबी वाबी रख कर भूल गए तो उसे तो ढूंढ ही लेंगे इससे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।